नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया लॉकडाउन है। लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकल रहे हैं। 22 मार्च यानी रविवार कल का दिन भारत जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। हालांकि बीते कुछ दिनों से भी लोग घर से कम निकल रहे हैं। ऐसे में सड़कें, बाजार, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों पर भीड़ कम है। इस काल के चक्र को हमें हराना है। इस कोरोना काल के क्रूर के पंजे को तोड़ना है, मरोड़ना है और काट कर फेंक देना है। हम इसको हराएंगे और जीतेंगे, लेकिन एक दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कठिनाइयों का सामना कर हम चुनौतियों से निपट लेंगे। विधायक जी, आज आपने हवन कराया था जी। हवन कराने का क्या कारण था? ये जो कोरोना है, हवन इसका सबसे सामना करने का अच्छा विकल्प है। इस हवन के विकल्प के अलावा कोई इतना अच्छा साधन नहीं है जिसके द्वारा कोरोना पर नियंत्रण किया जा सके। इसी क्रम में हमने हवन किया है ताकि हमारा पूरा परिक्षेत्र में हवन का प्रभाव पड़े और कोरोना से लोगों को सुरक्षा मिले उसके हमला से। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सरकार, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खड़े होकर इस कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में खड़े हों, साथ दें। यदि हमने ऐसा किया तो निश्चित ही मान लीजिए कि हिंदुस्तान कोरोना से जंग जीतेगा और उसमें हम सफल होंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हम आप अपनी सरकार, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खड़े रहकर कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, गो कोरोना।